क्या सीए फाउंडेशन टफ है? क्या सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग लेना मैंडेटरी है? कौन कौन से मैंने यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे जिससे मैं सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया? इन सब का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ्रेंड शुभम, आल्सो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। एंड मैं अपने बारे में ब्रीफली बता दूं कि मैंने सी फाउंडेशन क्लियर किया था इन दिसंबर 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड अभी मैंने दिसंबर 21 में मैंने अपने फर्स्ट ग्रुप इंटर के एग्जाम्स दिए हैं और मैं अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बढ़ते हैं टाइटल की तरफ कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे और मैं कैसे सेल्फ स्टडी से सी फाउंडेशन क्लियर कर पाया। जो भी मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगा इस वीडियो में, ये सारे मैंने फॉलो किए थे पर्सनली, और मैंने ये चैनल देख के मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो मैं नोट्स यहाँ पे शो करूँगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने फॉलो किए थे ये चैनल्स। ओके, मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई करो आप अपनी सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन में। अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से हो जिसमें आपको अकाउंट्स की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर आपको जनरली आपको नीड है किसी कोचिंग की, या फिर अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है या फिर कोई गाइड करने वाला नहीं है, सो आपको डेफिनेटली कोचिंग लेनी चाहिए। बट अगर आप 11th 12th में आपने कॉमर्स ली या फिर आप अच्छे थे मतलब अकाउंट्स मैथ्स में, और आपको बस ये है कि कोई मुझे बस ब्रीफली बता दे, रेस्ट मैं अपने आप कर लूँगा, सो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी पर जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सी, सेल्फ स्टडी और कोचिंग्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, राइट? जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आप अपने पेस पे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर आप कोचिंग्स लेते हो तो वो अपनी स्पीड से मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सेल्फ स्टडी में आपका रूटीन व डिसिप्लिन की कमी होती है, बट कोचिंग्स में क्या होता है, कोचिंग्स में एक तरह से डिसिप्लिन होता है कि इस टाइम पर टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो हम वही पढ़ते हैं। तो दोनों के अपने 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 प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सीए फाउंडेशन में चार सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथ्स। इन सबके मैं यूट्यूब चैनल्स बताने वाला हूँ कि आप किस चैनल को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स एक तरह से एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और इसमें इस पेपर के लिए मैंने दो यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे। पहला था ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी एंड सेकेंड था कॉमर्स बाबा। ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। एक दो हो सकते हैं जैसे एवरेज ड्यू डेट वाला चैप्टर, या फिर कंसाइनमेंट हो गया, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स जैसे अकाउंट करंट हो गया, तो ये टॉपिक्स नहीं है कवर यूट्यूब पे। बट इन तीन चार टॉपिक्स के लिए मैंने कॉमर्स बाबा रेफर किया था। कॉमर्स बाबा ने 20 डेज बैच कंडक्ट की थी जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर कराए थे, तो इन दो तीन टॉपिक्स के लिए मैंने कॉमर्स बाबा रेफर किया था। एंड जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स थे वो मैंने फॉलो किया था ग्रूमिंग एजुकेशन से। पूरा स्क्रैच से करा रखा है, मतलब जिसको अगर अकाउंट्स का पता नहीं है ना कुछ, तो वो स्क्रैच से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो या डेफिनेटली चेक आउट दीज यूट्यूब चैनल्स। जो मैंने दो तीन चैप्टर्स कॉमर्स बाबा से देखे थे, उन्होंने मतलब इतनी अच्छी सी तैयारी करवा दी थी, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, चैप्टर के बाद ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, मतलब कि जो मेरा एक डर था ना वो डर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो आप डेफिनेटली आप कॉमर्स बाबा और ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी चेक कर सकते हो। सेकंड पेपर गाइज आता है लॉ का। लॉ बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एंड इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉ, एक होता है इंग्लिश। बेसिकली मैंने सेल्फ किया था ये सब्जेक्ट, बट किसी टॉपिक में भी मतलब कि डिफ़िकल्टी आ रही थी तो वो मैंने यूट्यूब से देख लिया था। रिसेंटली मैंने चेक किया कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने पूरा लॉ का कोर्स डाल रखा है। सीरियसली पूरा लॉ का कोर्स, मतलब जब मेरे टाइम में तो इन्होंने एक भी चैप्टर नहीं डाल रखा था, कुछ एक आध वीडियोस डाली हुई थी, बट अभी मैंने रिसेंटली चेक किया है कि इन्होंने पांचों के पांचों चैप्टर्स पूरे डाल रखे हैं यूट्यूब पे। चेक दीज वीडियोस बिकॉज ये बहुत अच्छी है। इन्होंने पूरा मॉड्यूल कवर करा रखा है, एक एक मॉड्यूल लाइन में लाइन पढ़ा रखी है, तो यस डेफिनेटली चेक। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी में, तो आप कॉमर्स बाबा का जो 20 डेज पैच था वो रेफर कर सकते हो। सो या डेफिनेटली चेक दीज यूट्यूब चैनल्स। और इंग्लिश तो मैंने सेल्फ की थी, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में सिर्फ डायरी एंट्री वगैरह ये सब मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था। इसमें सिर्फ फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स ध्यान रखना, और आप सिर्फ मॉड्यूल ही रेफर करना, इसमें सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत ईजी होता है और बहुत स्कोरिंग भी है, राइट?
थर्ड सब्जेक्ट आता है मैथ सेट्स एलआर, और मैथ सेट्स एलआर होता है एमसीक्यू बेस्ड। सबसे पहली बात करते हैं एलआर। एलआर मैंने सेल्फ किया था, बहुत इजी होता है वो भी, मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, बहुत इजी होता है ये, मैंने पूरा मॉड्यूल से किया था और बहुत आसान होता है। सेकंड चीज़ थी मैथ्स। मैथ्स मैंने अगेन मैंने रेफर किया था ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, क्योंकि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे थे कॉन्सेप्ट्स, और उन्होंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी, राइट। एक बार चेक कर लेना, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने वीडियोस देख के बनाए थे, तो डेफिनेटली मैंने भी पर्सनली वो वीडियोस देखी थी, इसलिए मैंने नोट्स बनाए थे। सो यार यू कैन डेफिनेटली चेक दीज ऑल्सो एंड कॉमर्स बाबा अगेन, मतलब कॉमर्स बाबा और ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने पूरा कोर्स डाल रखा है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक। एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन ग्रूमिंग एजुकेशन, मैं सारे लिंक्स, सारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली चेक कर लेना, राइट। एक और सेगमेंट होता है मैथ्स का, वो होता है एडिशनल क्वेश्चंस का, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि एडिशनल क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एडिशनल क्वेश्चंस वैसे जो होते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, मतलब कि बहुत हाई लेवल के होते हैं, और अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, तो एक चैनल है प्रदीप सोनी, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, एक प्रदीप सोनी चैनल है, उन्होंने एडिशनल क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। सो अगर कोई भी एडिशनल क्वेश्चंस में आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, सो आप उनका चैनल रेफर कर सकते हो, उन्होंने सारे एडिशनल क्वेश्चंस सॉल्व करा रखे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि एडिशनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो ये चैनल रेफर करके। सो फोर्थ पेपर आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स मैंने पर्सनली सेल्फ की थी, मतलब सेल्फ प्लस यूट्यूब, मतलब मैं पूरा भी मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की थी और पूरा मैंने यूट्यूब चैनल पर भी रिलाय नहीं किया था, मैंने दोनों को बैलेंस किया था। सो मैं इसमें दो चैनल्स बताऊंगा, अगेन ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी एंड सेकंड कॉमर्स बाबा। कॉमर्स बाबा ने तो मेरे एग्ज़ाम्स के आसपास ही अपलोड की थी, तो मैं उन वीडियोस को नहीं देख पाया, बट मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पढ़े थे, एंड ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे। मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए, बट कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, मैंने उनके नोट्स बनाए थे। सो यू कैन चेक ग्रूमिंग एजुकेशन एंड कॉमर्स बाबा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं अपनी जो डे टू डे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। एंड मैंने रिसेंटली ये डाला था कि मैंने रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट करी थी, ये वाली मैंने कंप्लीट कर दी, और बहुत ही अच्छी बुक है यार। और मैंने इस बुक में एक लाइन पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट ओनली यू हैव द पावर टू डिटरमाइन योर डेस्टिनी। बाय बाय, टेक केयर।